हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी एजुकेशन में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को 2024 बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवाने वाला हूं और मैं स्टार्ट कर रहा हूं एमसीक्यू से। तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एमसीक्यू लाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है ना। और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू कराने के बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्लस आपका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को यहां पर करवाऊंगा। तो ये सारा काम जो होगा वो फेस्टिवल के बाद होगा, बट अभी जो है आपका जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज हर एक जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा एमसीक्यू आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज उसी सीरीज का शुरुआत करते हुए आज मैं आप लोगों के पास लाया हूँ आपका मैथमेटिक्स का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और चैप्टर क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू पर आधारित है, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो यहां पर है क्या है, व्हाट आर द टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर हुज स्क्वायर हैव सम 340। मतलब कौन सा दो आपका कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है ना, इंटीजर है जिसके स्क्वायर का सम क्या होता है, 340 होता है। तो हमारे पास यहां पर 12, 10, 12, 14 और मतलब -12, 14 और +12, 14 है। तो सिंपली आप स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 100 होगा। इसको ऐड करने पर 340 तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा कट गया। अब -12 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा हमारा, 144 आएगा। और अगर हम -14 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 196 आएगा। इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका 340 आ जाएगा। तो बी तो हमारा करेक्ट है, बट आपको यहां भी देखना है 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा -12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से -14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इसको ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग तो ऑप्शन तो कोई एक ही लगाएंगे। तो आप देखिए थर्ड वाले लास्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ, बोथ बी एंड सी। तो हमारा आंसर जो है वो डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है, हाँ, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रेंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड ट्वीस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड ऑफ द ट्रेंगल। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो काफी वक्त लगेगा। हम लोग इसको एमसीक्यू, यानी कि ये एमसीक्यू है, ठीक है ना, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि हाइपोटेनस जो है वो लेंथ से 2 मोर है और हाइपोटेनस जो है वो ब्रेथ के टू टाइम से 1 मोर है, ठीक है ना। अब इसमें से जो बड़ा है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अगर हम ये मानकर चले कि 10 क्या हमारा हाइपोटेनस है, तो अगर हम लोग लेंथ निकालना चाहेंगे और हाइपोटेनस हमारा 10 है तो हमको क्या करना होगा, 2 माइनस करना होगा। तो अगर हम 10 में 2 माइनस करें तो हमारा 8 तो आ जा रहा है, बट अब ये जो हमारा 6 बच गया ये क्या होगा, ये बेस होगा। तो बेस का डबल प्लस 1, तो बेस का डबल करने से ही 12 आ जा रहा है, जो हाइपोटेनस से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यहां पर सही नहीं है। उसके बाद अगर हम इसको मानकर चले तो इसमें 2 माइनस करने पर क्या आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए, 24 तो आएगा नहीं, 7 भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये हाइपोटेनस है 17, 2 लेस करने पर क्या आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। और जो हमारा बेस बच गया, इसको हम लोग बेस कंसिडर करके चलते हैं, तो इसका डबल करके 1 ऐड करना है, तो 8 का डबल 16 प्लस 1 क्या आ गया, 17 आ गया। यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको चेक करने का आपको कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर। अब आपको इसका क्या करना है, इसका रूट्स आप लोगों को बताना है। तो आपको पता होगा कि रूट्स का नेचर यहां पर बताना है हम लोगों को, रूट्स यहां पर निकालना नहीं, क्योंकि देख लीजिए ऑप्शन से हम लोगों को पता चल रहा है, हम लोगों को रूट्स का नेचर बताना है। तो हम लोग डी निकालते हैं, डी का वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जो होता है वो एक्स का कोफिशियंट है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, और कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, तो हमारा सी होता है। एक बार आपको मैं लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ए बी और सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट बी इज इक्वल टू -8, तो -8 का स्क्वायर कितना 64, -4 इंटू ए, ए का वैल्यू यहां पर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होता है, तो वहां पर क्या होगा 1 हो जाएगा, इंटू सी, सी हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि यहां पर 12। तो ये हमारा क्या हो गया 64 -12 = 48। हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको पता होगा कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर फोर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स इज 3। तो ध्यान रखिएगा, सम ऑफ रूट जो होता है, मान लीजिए कि हमारे पास दो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो इसका सम जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3, इसको डिवाइड किससे करना होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 3 से, तो माइनस 3 अपॉन 3 क्या होगा, 1 होगा, सॉरी माइनस 1 होगा, ठीक है। एक मिनट मिस्टेक हुआ, लिख के बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को पहले माइनस लिख देना होगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना, माइनस 3 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहां लिख दीजिए, आप देख लीजिए आपका थोड़ी 3 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, क्या है हमारे पास, माइनस माइनस 3 और ए का वैल्यू कितना, 2, 3 नहीं आएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, क्या है हमारे पास, माइनस 3 एंड माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है यहां पर, द सॉल्यूशन ऑफ 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z। अब ध्यान दीजिए यहां पर, आप अगर 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z लिख करके एक जेड से जेड को काट दिए, जेड का वैल्यू क्या बोल दिए, 3/5, और ये टिक लगा दिए, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग, तो ये नहीं करना है आप लोगों को। यहां पर करेक्ट क्या है, तो 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z, आप इसको इस साइड ले आइए, 5z स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से जेड कॉमन ले लीजिए, 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन जेड इज इक्वल टू 0 और 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू 3/5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा और 3/5 आएगा, जो आपको यहां पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है, तो ये आंसर आपका कभी नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कंडीशन फॉर द इक्वेशन दिस टू बी क्वाड्रेटिक इज, ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट कब होगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, जब ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। एक्स का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो सकता है, बट ओनली ए 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, इनमें से किसका रूट जो है वो 2 है, तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, 2 को इसमें पुट करके देख लीजिए, ठीक है, जिसमें पुट करने पर LHS आपका 0 आ जाए, वही ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगर हम यहाँ 2 पुट करते तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस 5, ठीक है ना, तो 5 + 4 क्या हुआ, 9, 9 - 8 1 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो ये 2 हुआ, और यहाँ पर 2 2 4, और ये यहाँ पर 7 2 14, और ये हमारा 6, तो क्या हो गया, ये 4 2 8 - 14 प्लस 6, तो देख ली 8 + 6 = 14 - 14 0 आ गया। आपको बाकी ऑप्शन को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर सी ऑप्शन लगा सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में ये कह दे कि एक से ज्यादा सही हो सकता है तब आपको सारा ऑप्शन पर चेक करना होगा, बट यहां पर वैसा कुछ नहीं है, यहां पर आपको केवल एक ऑप्शन चूज करना था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी यहां पर 9 होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो हमने 8 बताया, क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 219। तो ध्यान रहिएगा, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, अब क्या कीजिए ना, यूनिट प्लेस पे जो नंबर इसका स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, आपको यूनिट नंबर चाहिए केवल, यूनिट डिजिट यानी कि 5। 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 = 49, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ लिख दीजिए 9, दोनों को ऐड कीजिए, 9 + 5 कितना, 14, यूनिट डिजिट ही लिखना है तो क्या होगा, 4 होगा, बट आपका जो यहाँ पर सम दिया हुआ स्क्वायर का सम, वो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही हमारा नहीं होगा। यहाँ चले जाइए, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1, 11 का स्क्वायर 121, यूनिट डिजिट 1, 1 + 1 क्या आ गया, 2 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद 13 का स्क्वायर 3 3 = 9, 13 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 9, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5, ऐड कीजिएगा कितना, 4, ठीक है ना, तो हमारा ये भी नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, तो यहाँ पर 9 9 + 1 10, यानी कि 11, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 13 का स्क्वायर 169, आप एड कर दीजिए, 9 + 1
10 0 कैरी 1 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 2 आ गया ना, 290। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, आपका समय बचेगा ताकि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में टाइम को दे सके और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 मीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 मीटर द इक्वेशन टू फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ वुड बी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लेंथ है हमारा एल, ब्रेथ है हमारा बी, तो इसका एरिया दिया हुआ है 24, यानी कि एल इंटू बी इज इक्वल टू 24। और पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू कितना, तो ये हो गया आपका 20। तो यहां से l प्लस बी अगर आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोगों को पता है, हम मान लेते हैं l जो हमारा वो पहला रूट है, b जो हमारा दूसरा रूट है, तो यहां पर सम ऑफ रूट गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। तो हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट जो कितना है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10 साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो यहाँ पर कितना है 24 है, यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 0। अब आप इससे देख लीजिए किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो इससे मैच कर रहा है, हाँ देखिए इसी से फर्स्ट वाले से ही मैच कर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 7x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो नेचर बताने के लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। बी का वैल्यू ध्यान रहे, एक्स का कोफिशियंट बी होता है, यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, उसके बाद 4 इंटू ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है माइनस 3 इंटू बी यहाँ पर क्या, सॉरी इंटू सी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म जो कितना है यहाँ पर माइनस 2, इसको आप क्या कीजिए इंटू कीजिए, ठीक है ना। ये 49 देखिए, ये माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 3 12 12 2 24, हमारा क्या आया यहाँ पर 25 पाया, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स का नेचर क्या होता है, इरियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये रहा आज का, आज के सेशन का 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा। आप लोग कमेंट में ये बता सकते हैं कि आप लोगों को किस चैप्टर का एमसीक्यू पहले चाहिए,